विसंगति के बीच ब्लैक और व्हाइट का उद्योग भी फलता फूलता गया। इस व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार कारोबार करने वालों को, रोजगार देने वालों को और देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय कुचलने का काम किया। साथियों, जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहां कंप्लायंस भी मुश्किल होता है। कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो तो टैक्स पेयर भी खुश रहता है और देश खुशहाल होता है। बीते कुछ समय से यही काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। अब जैसे दर्जनों टैक्सेस की जगह जीएसटी आ गया, रिटर्न से लेकर रिफंड की व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया, जो नया स्लैब सिस्टम आया है उसमें बेवजह के कागजों और दस्तावेजों को जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिल गई है। यही नहीं, पहले 10 लाख रुपए से ऊपर के विवादों को लेकर सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी, अब हाईकोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय की गई है। विवाद से विश्वास जैसी योजना से कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाए। इसी का नतीजा है कि बहुत कम समय में ही करीब 3 लाख मामलों को सुलझाया जा चुका है। साथियों, प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ साथ देश में टैक्स भी कम किया गया है। 5 लाख रुपए की आय पर अब टैक्स 0 है, बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक हैं। साथियों, कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। साथियों, अभी तक तो होता यह है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है। स्क्रूटिनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर जब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है। अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है, अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है। अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा। अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स पेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तब इसकी छानबीन का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि संभव है कि वो चेन्नई चला जाए, गुवाहाटी चला जाए, रायपुर चला जाए, अहमदाबाद चला जाए।
वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यू किसी दूसरे शहर, कहीं जयपुर हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कोची हो जाएगा, वहां की टीम करेगी। अब फेसलेस टीम कौन सी होगी, इसमें कौन होगा, ये भी कंप्यूटर रैंडमली तय करेगा और ये प्रक्रिया भी बार बार उसमें बदलाव होता रहेगा। साथियों, इस सिस्टम से करदाता और इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का, प्रभाव और दबाव का मौका अब जीरो हो गया। सब अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। डिपार्टमेंट को इससे लाभ ये होगा कि अनावश्यक मुकदमेबाजी बचेंगे उससे। दूसरा, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगने वाली गैर जरूरी ऊर्जा से भी अब राहत मिलेगी। इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ साथ अपील भी अब फेसलेस होगी। साथियों, इस एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म के साथ साथ आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और वो है टैक्स पेयर चार्टर। ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश हैं, लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है, यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता। अगर किसी प्रकार का संदेह है भी तो टैक्स पेयर को अब अपील और समीक्षा का भी अधिकार दिया गया है।